अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल माइट अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ टुडे वी विल टेक सब्जेक्ट ग्रामर इन ग्रामर लेसन नंबर 30 कॉम्प्रिहेंशन। चलिए तो मुझे कौन कौन बताएगा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कैन एनी वन गैस? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है बच्चा? के टू अंडरस्टैंड समथिंग, जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है। एबिलिटी किसे बोलते हैं? हुनर को बोलते हैं। एबिलिटी मीन्स हुनर। तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इट्स कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, जैसे हम सब टीचर्स आपको समझाते हैं, आप उसे कैप्चर करते हैं, तो ये आपकी एक तरह की एबिलिटी हुई अंडरस्टैंड करने की। तो आज के हमारे कॉम्प्रिहेंशन में हम यही देखेंगे कि इस पूरे पैसेज में हमें क्या दिया गया है और किस बारे में इस पर बात हो रही है। सो हमें इस पैसेज को रीड करना है और इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स निकलेंगे उसका हमें आंसर्स कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हमें पैसेज को अच्छे से रीड करना है और हर एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। हमारा पहला जो पैसेज है वो क्या है? वो है द काइट सेलर। काइट सेलर मतलब पतंग बेचने वाला, ठीक है। मैं पैसेज रीड कर रही हूँ। अ मैन इज स्टैंडिंग नियर द स्कूल गेट सेलिंग काइट्स। अ मैन, एक इंसान स्कूल गेट के पास खड़ा है और वो वहाँ पर काइट्स सेल कर रहा है। द काइट्स आर शेप लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स। उन सारी काइट्स का, उन सारी पतंग्स का शेप सब अलग अलग थे। कुछ बर्ड्स थे, कुछ एनिमल्स थे और सारी बहुत खूबसूरत थी। सम आर शेप्ड लाइक टाइगर्स एंड दे आर येलो। उसमें से कुछ थी जो टाइगर जैसी दिखती थी। कैसी दिखती थी? टाइगर जैसी, और उनका कलर था येलो। सम आर लाइक ब्यूटीफुल ब्लू पीकॉक। कुछ वहाँ ऐसी थी जो बिल्कुल खूबसूरत, मतलब पीकॉक के जैसे ब्लू कलर में थी। उसके बाद अनदर वन लुक लाइक अ ग्रीन पैरट। वहाँ पर दूसरी भी थी, वो ग्रीन पैरट जैसी दिख रही थी। देर आर इवन वन शेप लाइक अ वाइट रैबिट। और वहाँ पर एक और पतंग थी जो कैसे दिख रही थी? वाइट रैबिट के शेप की थी। द बेस्ट वन ऑफ ऑल इज काइट सेलर एंड वेट फॉर हिम ईगली। उस काइट सेलर के पास में एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी काइट थी जो थी द जू। कौन सी थी? द जू। सो हमारी एक्सरसाइज अब यहाँ से चालू होती है। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है मैच द कलर विद द एनिमल्स बर्ड्स। यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल में है कलर्स और सेकंड में है एनिमल्स और बर्ड्स। आपको इसको इनके साथ में जॉइन करना है। कौन किसका है वो आपको उस पैसेज में से पता चल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ ब्लू। हमने पैसेज में देखा था ब्लू कलर किसके साथ था? ब्लू कलर था पिकॉक के लिए। किसके लिए था? पिकॉक के लिए। तो हम ब्लू को कनेक्ट करेंगे पिकॉक के साथ। किसके साथ? पिकॉक के साथ। फिर है येलो। येलो था हमारे टाइगर के लिए। किसके लिए था? टाइगर के लिए। फिर है ग्रीन। कौन सी है? ग्रीन। सो ग्रीन इज फॉर पैरट। ग्रीन इज फॉर पैरट। एंड द लास्ट वन इज फॉर, विच वन इज लेफ्ट? येस, द लास्ट वन इज लेफ्ट। White, white is for rabbit, white is for rabbit. So हमारा
एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है और हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज पे। आंसर दिस क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो मैंने आपको स्क्रीन पे पहले ही दे दिया है, सो आप इसी में देख लीजिएगा। मैं पढ़ रही हूँ पहला क्वेश्चन, हु इज़ स्टैंडिंग नियर द स्कूल गेट, स्कूल गेट के पास कौन खड़ा है। हमने पढ़ा था कौन खड़ा था, अ मैन स्टैंडिंग नियर द स्कूल गेट, एक इंसान, अ पर्सन स्कूल गेट के पास खड़ा है। एंड व्हाट इज ही सेलिंग, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ही सेलिंग, ही इज सेलिंग काइट्स, ही इज सेलिंग काइट्स, वो काइट्स बेच रहा है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। द डैश आर शेप लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स का शेप किसका था, यस काइट्स का था, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे काइट्स। फिर है सेकेंड वन, सम आर लाइक डैश एंड दे आर येलो, उनमें से कुछ डैश जैसी थी और उनका कलर येलो था। अभी हमने करा येलो कलर किसका था, वो था टाइगर का, किसका था, टाइगर का, सो हम ब्लैंक में लिखेंगे टाइगर्स, क्या लिखेंगे, टाइगर्स। फिर हमारी फोर्थ वन है, कंप्लीट द फॉलोविंग, कंप्लीट द फॉलोविंग, ठीक है, तो इसमें एक ही है, द बेस्ट वन ऑफ ऑल इज द वन कॉल्ड, कौन सी थी, द जू विथ वन काइंड ऑफ ईच, विथ वन काइट ऑफ ईच काइंड, द जू विथ वन काइट ऑफ ईच काइंड, मतलब उसके पास एक जो वो ईगरली एक्साइटमेंट में बैठा था वेट करके जिस काइट की, वो काइट सेलर वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, द जू वाली। वो क्यों इतनी स्पेशल थी, क्योंकि उसमें सभी तरह के एनिमल्स और बर्ड्स थे, इसलिए वो बहुत स्पेशल थी। तो हमारी फिफ्थ वन एक्सरसाइज है, पुट अ टिक मार्क इफ द सेंटेंस इज ट्रू एंड अ क्रॉस इफ इट इज नॉट, हमें टिक मार्क करना है अगर सेंटेंस राइट है इसलिए, और हमें क्रॉस मार्क करना है अगर सेंटेंस रॉन्ग हो इसलिए। हमने पैसेज रीड तो करा ही है ना, तो हमें इजीली आ जाएगा। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, अ मैन इज स्लीपिंग नियर द स्कूल गेट, अ मैन इज स्लीपिंग नियर द स्कूल गेट, मैन स्लीपिंग कर रहा था वहाँ, क्या कर रहा था बच्चों, हमने पहले ही रीड करा था, सबसे पहले लाइन थी हमारी पूरी पैसेज की, अ मैन इज स्टैंडिंग नियर द स्कूल गेट, सो दिस वन इज द रॉन्ग, तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मार्क, क्या करेंगे, क्रॉस मार्क। आई एम रीडिंग द सेकेंड सेंटेंस, द काइट्स आर शेप लाइक फ्रूट्स एंड एनिमल्स, काइट्स के शेप कैसे थे, फ्रूट्स और एनिमल्स जैसे थे, वेजिटेबल्स जैसे थे, या फिर बर्ड्स और एनिमल्स जैसे थे, हाँ बर्ड्स और एनिमल्स जैसे थे, तो यहाँ तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए हैं, सो दिस वन इज द रॉन्ग, हम यहाँ करेंगे क्रॉस मार्क, क्या करेंगे, क्रॉस मार्क। वीडियो देखते देखते कोई सो मत जाना। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर पैसेज इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन, हमें इस ब्लैंक्स को फिनिश करना है ए और एन लिखकर। सो हमारी फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है वो है, डैश ओल्ड कैमल इज स्लीपिंग अंडर डैश ट्री, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे,
एंड ओल्ड कैमल इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। बूढ़ा कैमल ट्री के नीचे सो रहा है। हमारी सेकंड है, वी सॉ अ लायन अ टाइगर एन आउल एंड एन ऑस्ट्रिच एट द जू। हमने जू में एक लायन, एक टाइगर, एक आउल और एक ऑस्ट्रिच देखा। ओके तो बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमारा सेकंड पैसेज शुरू हो रहा है। सो अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो ले सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस हेडिंग को रीड कर लेती हूँ, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हमें पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है और सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। टेक अ ब्रेक एंड टेक अ ब्रीथ फॉर रिलैक्समेंट। आप चाहो तब तक पानी पी सकते हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पैसेज। इन द पार्क, पार्क में। सो गीता एंड रानी वेर प्लेइंग इन द पार्क विथ अ बॉल। गीता और रानी पार्क में खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे? बॉल के साथ। देयर वेर फोर गीस स्विमिंग इन द पॉन्ड नियर बाय। वहाँ पर चार गीस थी। गीस मतलब इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डक। डक की एक अलग ब्रीड है, उसे गीस कहा जाता है। सडनली द बॉल फेल इन टू द पॉन्ड। अचानक से बॉल जो वो लोग खेल रहे थे वो तालाब में गिर गया। टू ऑफ द गीस हॉन्क लाउडली बट द थर्ड गूस बिगेन टू पैक एट द बॉल। उनमें से दो जो थी वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बट जो थर्ड वन थी वो बॉल के ऊपर अपनी पीक मतलब उनकी चोंच, उसकी चोंच जो थी उससे वो उस बॉल के ऊपर मारने लगी। द फोर्थ गूस केप्ट स्विमिंग काल्म। जो फोर्थ वाली जो गूस थी वो तो उसे कुछ फ़र्क नहीं हुआ, सिर्फ इन तीनों को ही डिफरेंस नज़र आया, क्योंकि दो चिल्लाने लगी और तीसरी जो थी वो बॉल को अपनी पीक से गीता स्टार्टेड लाफिंग। गीता हंसने लगी। रानी रन टू कॉल द वॉचमैन। रानी दौड़ी और उसने वॉचमैन को बुलाया। द वॉचमैन ब्रॉट अ लॉन्ग स्टिक एंड पुल्ड द बॉल आउट ऑफ द वाटर। वॉचमैन ने एक लंबी लकड़ी ली और उसने उस बॉल को पानी से बाहर निकाल लिया। ही ऑल्सो फेड सम ब्रेड क्रम्स टू द गीस। और उस वॉचमैन ने उन गीस को ब्रेड क्रम्स के कुछ टुकड़े डाल दिए ताकि वो खा ले। अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। आंसर दिस क्वेश्चंस। वेयर वेयर गीता एंड रानी प्लेइंग। गीता और रानी कहाँ प्ले कर रहे थे? सो गीता एंड रानी वेयर प्लेइंग इन द पार्क। वो दोनों पार्क में खेल रहे थे। व्हाट वेयर दे प्लेइंग विथ। वो किसके साथ खेल रहे थे? दे वेयर प्लेइंग विथ अ बॉल। वो दोनों बॉल से खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे? बॉल से खेल रहे थे। Now the second one, complete the following. Suddenly the ball dash. अचानक बॉल कहाँ गई थी? अचानक बॉल तालाब में गिर गई थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Suddenly the ball fell into the water. Suddenly the ball fell into the water. अचानक बॉल पानी में गिर गई। Second, he also fed some bread crumbs to the geese. उन्होंने कुछ ब्रेड क्रम्स के टुकड़े गीस को दिए ताकि वो खा ले।
ही ऑल्सो फेड सम ब्रेड क्रम्स टू द गीस। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है मैच द साउंड विद द एनिमल बर्ड्स। हमें यहाँ पर टेबल दिया गया है, उसमें हमें देखना है कौन सा बर्ड और कौन सा एनिमल कौन से साउंड में बोलता है। क्रो फर्स्ट हमारा है, वो है क्रो। क्रो कैसे बोलता है, किसे पता है? क्रो बोलता है काव काव, है ना? सो वो होगा इसके साथ अटैच, इसके साथ क्रो होगा काउस के साथ अटैच। और है डॉग, क्या है? डॉग, डॉग करता है बार्क्स, डॉग बार्क्स, तो हम इसके साथ इसे कनेक्ट करेंगे, है ना? तो हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई तीसरी, और हम आ गए हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पे। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। हमें इन पूरे टेबल में अलग अलग पिक्चर्स दी गई है। ये स्लाइड में आपको मैंने अलग अलग पिक्चर दी है, और बीच में जो एक टेबल है उन टेबल में अलग अलग वर्ड्स दिए, एक्शन वर्ड्स। अब आपको उसको कनेक्ट करना है। द फर्स्ट वन इज आर यू एन रन, आर यू एन रन। सो बच्चों इन सब में से कौन सा वाला रन के साथ में मैच होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, फर्स्ट वन फिगर इज मैच टू द फर्स्ट वर्ड रन, यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। सेकेंड वन है वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉक मतलब चलना, तो वो हो रहा है यहाँ पर, है ना? वो हो रहा है यहाँ पर। फिर थर्ड वन है स्विम करना, क्या है थर्ड वन? स्विम करना। तो यहाँ कौन सी फिगर है जो जॉइंट हो रही है? वो है ये वाली, स्विम करना। फिर फोर्थ वन है हमारी डांस करना, यहाँ कौन सी फिगर डांस में हो रही है? यस, ये येलो, हम इसके साथ इसे अटैच करेंगे। फिर है स्केट, जो छोटी सी बेबी कर रही है, ये है स्केट। तो बच्चों आपने अच्छे से ये सॉल्व कर ली, अच्छी बात है, और आपको ये एक्शन वर्ड लर्न भी हो गए, वो भी अच्छी बात है। माशाल्लाह आप अच्छे से स्टडी करिएगा अपनी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने बड़ों से या टीचर से आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको आगे कोई क्वेश्चंस ना हो। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।